हाय वेलकम टू एफ एस सी एंटरटेनमेंट। एम पठान गोट फार्म पे हूँ मैं और उस्मान भाई और मोहित भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई। उस्मान भाई, दिस इज़ अ सीज़न 2022 और ऐसा होता था कि भाई हम पलाई प्रमोट करते थे। हाँ भाई, बट इस मरतबा ट्रेडर्स आ गए मोहित जैसे आपके पास। ठीक है, तो हम मोहित के बकरे निकाले हैं बेचने के लिए। बिफोर दैट कैन यू टेक अस थ्रू द लास्ट सीरीज जो हमने रन किया था, क्या रिस्पॉन्स था एंड डिड यू मैनेज टू सेल एनीथिंग कि नहीं? नहीं, उनको तो सेल नहीं करना था फात भाई, अपने तो वीडियो में ही बताए थे कि अपने को सेल करना नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत था उसके लिए। बट खसी बकरे तो उनको बेचने के थे। नहीं, वो आफ्टर रमजान हमने वीडियो में डाले थे भाई। okay. आफ्टर रमजान उनको सेल करना है। okay. इसलिए वो अभी तक है। बाकी के जितने थे सारे शौक के थे। हाँ ठीक है, तब से लेके अभी तक के कुछ पलाई के लिए बकरे आए हैं कि जगह फुल? काफी सारे आए भाई माशाल्लाह। कितने बकरे हैं अभी पलाई पे? अभी पलाई पे अपने पास लगभग हो गए 70। कितने? 70-70 बकरे पलाई पे। बकरे अंडुल की पलाई चार्ज क्या ले रहे हो भाई? किसी के 3,500 है, किसी के 4,000 है। क्यों ऐसे? मतलब बकरा वेट कैटेगरी से अपन ले रहे हैं ना। फॉर इंस्टेंस 70-80 किलो का बकरा है तो 3,500 रुपए। और खूटे पे बांधते हो कि केज पे बांधते हो? केज में 3,500। और क्या मिलेगा उनको 3,500 में बकरों को? भाई माशाल्लाह अच्छे से अच्छा खाना मिलेगा जो खिलाते सबको। और क्या? नहीं, जैसे वेट गेन प्रॉमिस करते हो आप? नहीं, प्रॉमिस तो नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वेट गेन तो हो ही रहा है। और जैसे अभी ये मोहित भाई लोग है यहाँ पे, इनके भी बकरे हैं मेरे पास, तो ये भी बताएंगे इंशाल्लाह। मोर्टैलिटी अश्योरेंस दे रहे हो? खुदा ना खास्ता बकरे को कुछ भी नहीं दे रहे और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। तो लोगों को क्यों रखना चाहिए आपके पास बकरे भाई? कैसा है अभी, इसकी गारंटी तो कोई नहीं देगा, और जो दे रहे उनको दे रहे। आप बोले कोई नहीं देगा, लेकिन बहुत सारे बता रहा हूँ ना, जो दे रहे उनको पड़बड़ रहा होगा भाई, लेकिन अपने को नहीं पड़बड़ेगा। अपन इतना है कि अपनी पूरी कोशिश करके माशाल्लाह बकरे को अच्छे से अच्छा तैयार करने की कोशिश करेंगे। चलो गारंटी, बाकी और कोई चीज़ की गारंटी नहीं। चलो फुल मोर्टैलिटी नहीं है, लेकिन और भी तो कुछ दे सकते हो ना? कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं है भाई। फ्री रिप्लेसमेंट नहीं है? नो रिफंड ऑन मोर्टैलिटी? नो, जरा भी नहीं भाई। देन व्हाई शुड समबडी कीप यू भाई? कैसा है अपना फार्म, अभी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा नज़दीक अगर कोई होगा मुंबई में तो हमारा ही फार्म है। एक बेसिकली लोकेशन, लोकेशन, और वो बहुत मायने रखता है भाई। मैं कुछ ऐड कर लूँ कि अगर कोई पालता है बॉम्बे सिटी से काफ़ी दूर, महीने में 2 मरतबा भी जाता है खुद की ही गाड़ी में, सही उनका महीने का पलाई का खर्चा निकल जाता है एक आराम से भाई, आराम से। तो यहाँ पे वो सब नहीं है, दिस इज मोर इकोनॉमिकल। हाँ, यहाँ पे वही सब बच रहा है लोगों का। और दूसरी बात, मतलब भाई बकरे बनाना और बनना हो तो सब अल्लाह के हाथ में, लेकिन अपन अपनी पूरी कोशिश करते हैं और माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट भी चल रहा है हमारे। अभी गर्मी में आपके बकरे ने वजन थोड़ा? नहीं भाई, अभी नहीं तोड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी वजन। क्या खिला रहे हो गर्मी में भाई? वही जो सब खिलाते। कैसे की भाई? कैसा है, हम लोग दाना सब भिगा के देते हैं, कुछ बॉईल करके देते हैं, तो वजह से शायद जानवर अपने वेट क्या दाना देते हो भाई? दाने में गेहूं देते हैं, मक्का है, फिर वीकेंड में चना मक्का गेहूं मिक्स करके देते हैं 2 दिन। ओके। फिर सुबह चुन्नी रहती है डेली। ओके। और अपना एक शेक है, चॉकलेट शेक, जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था, वो देते हैं। और हरी पत्ती, ये 4 आइटम 4 टाइम है, अलग अलग चलते हैं। कोई वैक्सीनेशन चार्ज है? नहीं, कोई चार्ज नहीं। सो पलाई चार्ज इज ओनली दैट यू। हाँ। और खसियों का कितना है? खसियों का 3,000 है और 3,500 है, मतलब अंडर 50 kg 3,000 रुपये। बट यू नो चीपर, खसियों का बहुत फार्म वाले 2,500 में पाल रहे हैं भाई। वो पाल रहे हैं लेकिन बहुत दूर पाल रहे हैं ना, मैं सिटी में पाल रहा हूँ भाई, यहाँ पे पानी भी खरीद के पिलाना है, ऐसा है। ठीक है, तो कैसा होगा? चलिए रिव्यू लेते हैं मोहित से। हाँ, हाँ, पलाई रिजल्ट विंस। मोहित भाई, वालेकुम सलाम। मोहित भाई से तो हम काफ़ी समय से जुड़े हुए। मोहित, इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2017 इज व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन आई स्टार्टेड माय चैनल, आई जस्ट कम यू फॉर कवरेज मेरे ख्याल से मंडी में, एंड यू वर सेलिंग अ गोट, एक कोई कोटा बकरा या हंसा था इफ आई रिमेंबर। सो फर्स्टली फहद, प्लेजर टू बी बैक ऑन योर चैनल। As you told, के 2017 से हमारा एसोसिएशन है, एंड मोर देन एसोसिएशन इट्स फ्रेंडशिप, एंड दैट्स व्हाई एड्रेस फहद भाई एज फहद, बिकॉज नो वट ही इज माई गुड फ्रेंड फर्स्ट एंड देन ही इज अ यूट्यूबर। वी हैव बीन इन टच इवन दो ही वाज लास्ट ईयर वी डिडंट शूट एनी वीडियो, बट वी वर स्टिल इन टच। वी वर स्टिल इन टच, वी स्टिल यूज्ड टू हैव फ्रेंडली चैट्स अबाउट गोट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज गोट, बट वी ऑल यूज्ड टू कनेक्ट ऑन अ पर्सनल बेसिस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो हाउ हैज द जर्नी बीन? उस टाइम पे आप ट्रेडर थे, मंडी में लेके खड़े करते थे, एंड आई थिंक लास्ट मोमेंट पे आप उतारते थे, अभी आप पाल के बेच रहे हो। जी जी। सो 2017 मेरा पहला साल था, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल से हर साल बकरे उतार रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दुआ से हर साल बकरे बढ़ते ही जा रहे हैं, और शौक भी बढ़ता ही जा रहा है। तो पहले कैसा होता था, साल के लास्ट में एक महीना लाते थे, बट अभी क्या, उस्मान भाई जैसा फार्म है घर के बाजू में ही है, मीरा रोड ओनली तो मेरे क्या घर के बाजू में ही होता है, तो ये तो बहुत कन्वीनियंट है आपके लिए। बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, जैसे आपने बताया कि नोट यहाँ पे क्यों रखना चाहिए, क्योंकि अब कोई भी अगर कोई भी आउट ऑफ सिटी जाए
ढाई से 3,000 रुपये तो खाली ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो जाता है, खाने पीने का अगर आप सब पकड़ लो फैमिली के साथ, और एक 5,000 तो यूँ चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक बकरे दो बकरे की पलाई हो जाती है अपने यहाँ पर, राइट। प्लस आई थिंक जो लोग रखते हैं ताकि वो अपने बकरों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे उस्मान भाई के पास हम लोग हफ्ते में 3 बार आ जाते हैं, एनी टाइम, इनफैक्ट डेली भी आ सकते हो आप, बिकॉज घर के बगल में ही है। ठीक है, लेट्स विल टॉक अबाउट दिस पलाई इन दिस वीडियो ओनली। पहले बकरे के बारे में बताते हैं, और बताना है बकरे कब आए उस्मान भाई के पास। हाँ, तो ये मेरी सबसे फेवरेट ब्रीड है कश्मीरी, जो पिछले साल भी अलहमदिल्ला हमारे 2-3 बकरे थे जो काफ़ी फेमस हुए थे, तो उसी में ये सीरीज़ चलती आ रही है, एक गाजी सीरीज़ जो मेरे इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे जगह पॉपुलर हुआ था वो। तो ये है गाजी, ये है गाजी, यस, और गाजी ये है अर्तुगुल। सो दिस इज अर्तुगुल एंड दिस इज गाजी। सो अर्तुगुल गाजी की हमारी सीरीज चल रही है। गाजी की डिटेल्स दीजिए। गाजी अभी फिलहाल 85 kg पे, ये वजन 85-90 kg, लास्ट टाइम वजन की मशीन में थोड़ा दिक्कत था यहाँ पे, हैज दैट बीइंग सॉर्टेड। अभी जो भी अगर खरीदना चाहे तो वजन करा के दे सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, वजन करा के देंगे। और आपको तो पता है फाद भाई कि ये बकरे खूबसूरती पे बिकता है, बट उसके बावजूद ये बकरों की जो वजन है, जो जो आप हाथ मारोगे ना तो पता चलेगा सिर्फ बाल नहीं है, जान भी है। तो वो हिसाब से ये 85 kg है और वो 70 किलो है। कितने दांत पे है ये? 6 दांत पे। 6 दांत पे। और हाइट मेरे ख्याल से 37 होगी। 37, यस 37 होगी, यस। और कितना मांग रहे हो आप इसका? फादर, ये दोनों का प्राइस ना मैं पर्सनल में बता दूंगा। क्यों? ऐसे लोग तो मुझे कहते हैं कि भाई जो लोग प्राइस नहीं बताते उनका वीडियो बनाओ ही नहीं, सो कन्विंस देम दैट आई शुड नॉट बी लिसनिंग टू देम। फॉर दे टू रीजन्स आर बिकॉज पीपल नॉर्मली से कि ट्रेडर्स डोंट लाइक हमारे से लेके कोई आगे बेचेगा, बट आई वुड लव कि ना ये बकरे अभी हमने शौक से पाले, आई वुड लव कि अगर ये बकरे किसी कुर्बानी वाले के पास जाए जो एंड कंज्यूमर है उनके पास जाए। एंड कंज्यूमर को देना ही है, सो व्हाई नॉट टेल द प्राइस इन द वीडियो इटसेल्फ। बट यू नो एज ए एंड कंज्यूमर एज वेल ना, इवन देन आई वुड नॉट लाइक गोइंग टू रीसेल द, बट या आई गेट योर पॉइंट, बट एट एंड कंज्यूमर को भी ना ये अच्छा नहीं लगता कि भाई उसका बकरे के प्राइस पूरी दुनिया को बताए। जैसे अभी आप कुर्बानी का बकरा ले रहे हो, आपने किसी को प्राइस बताई है? नहीं बताई, राइट? मैंने किसी को बताई नहीं बताई है, बट अगर कोई प्राइस लेगा तो घर में बहुत कम प्राइस बताते हैं। हाँ, तो वो सवा लाख का घर में 50,000 बोलते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसी के लिए क्या प्राइस जो डिस्कशन है, एक इट्स आजकल तो व्हाट्सएप के थ्रू ही ज़्यादातर डील्स होती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दे या कॉल कर दे एनी टाइम, आई विल मेक श्योर आई रिस्पॉन्ड टू एवरी कॉल एंड एवरी मैसेज। कैन यू गिव अ रेंज रफली, ये दोनों का प्राइस जो है मिला के 1 लाख के अंडर रहेगा? नहीं, ओवर रहेगा। 1-20 के अंडर रहेगा? यस, 1-20 के अंडर रहेगा। 1-20 के अंडर क्यों देना चाहिए लोगों? सी, आई हैव बीन टू कश्मीर एज वेल, आई मीन आई एम नॉट सेइंग क्या ऐसे बकरे बहुत सस्ते मिलते हैं, ऑफ कोर्स रिस्क इन्वॉल्वड है, ठीक है, और वेदर जो है दिस इज़ नॉट रियली कंड्यूसिव फॉर कश्मीरी गोट्स, ठीक है, उसके बावजूद वजन पकड़ना और मेंटेन रखना इट्स क्वाइट अ हेल ऑफ अ टास्क। यस यस। व्हाई शुड समबडी पे यू दिस मच अमाउंट ऑफ मनी ओवर अ लाख फॉर 2 गोट्स? सुफात, सबसे पहली बात, महीना बाकी है, लेट मी रिमाइंड यू कि भाई उनको 3-3, 6-3, 9 एक बकरे पे 10,000 और एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, सो 10-10, 20,000 हो जाएगा, सो व्हाटएवर यू कोटिंग प्लस 20,000 रुपीज, सो व्हाई शुड समबडी बाय फ्रॉम यू एट दिस प्राइस? फात, सबसे पहली बात है ये बकरों की खूबसूरती, कश्मीरी बकरे जो अपनी खूबसूरती पे बिकते हैं, जैसे कश्मीर से जब बकरे आते हैं तो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, उनका ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह प्लस ट्रैवलिंग में 4-5 दिन सिर्फ ट्रैवलिंग लगता है, प्लस बकरा 3-4 दिन आके स्टेशन पे खड़ा होता है, तो जब उनको लाने के बाद ना 2-3 महीने उनको बहुत प्रॉपर डाइट ग्रूमिंग वगैरह करना पड़ता है, जब ये आते हैं इनके बालों में पूरे वो कांटे ये वो भरे रहते हैं, उनको ब्लो ड्राई करके बाल नहला के कंटिन्यूस नहला के वो सब उनको रेडी करना। ये कब आया यहाँ पे उस्मान भाई के फार्म पे? ये आया है नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर में, एंड वी आर शूटिंग ऑन व्हाट इज द डेट टुडे, मार्च 28 हो गए उसको पूरे, मार्च खत्म हो गया, 4 महीना हो गया, कितने पे आया था आपने कहा? ये 55 kg, और अभी अभी 85 kg, तो 30 किलो बड़ा है माशाल्लाह, विच इज़ क्वाइट कमेंडेबल, है ना जी, 30 किलो तो पब्लिक साल का बोलती है, तो 30 किलो अगर ये बड़ा है तो विच इज़ वेरी वेरी गुड। हाँ भाई, ठीक है, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी लाते हैं वाइल्ड वी यू नो कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन। आप अपने बंदे को वो मशीन ऑन करने बोल दोगे तो हम कांटे पे भी चढ़ा देंगे अगर पॉसिबल बोलो भाई।
है ना, तो बाद इंशाल्लाह अपन वेट कर लेंगे इसका, वीडियो में ही कर लेंगे चलते चलते, ओके, सो दैट आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जो भी कॉल करेगा दे विल आस्क यू फॉर द वेट वीडियो, यप, ठीक है, तो वीडियो में कर लेंगे, आप ऑन करवा दोगे किसी से भी इंशाल्लाह, ठीक है, तो ये इसका हो गया 85 kg, ये वाले के बारे में बताया, छह दांत है ना वो वाला गाजी, ये गाजी छह दांत पे है, छह दांत पे, और वो भी ऑलमोस्ट छह दांत पे ही है, ठीक है, और क्या इसका नाम है अर्तुगुल, इसका वजन हमने चेक किए हैं कि इसका कितना था, चेक नहीं किया ना, तो इसका चेक कर लेंगे फाद भाई सामने, हाउ मच डू यू थिंक कितना होगा, मेरे हिसाब से ये 55-60 तक आना चाहिए, तो इतना डिफरेंस है, हालांकि दोनों साइज में ये तो लिटिल कॉम्पैक्ट है, तो ये 30 किलो ज्यादा, ये एक्चुअली इसको आके ना 1-1.5 महीना ही हुआ है, इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसके लिए इसका वेट ये हिसाब से तक नहीं आया है, बट इसका हथियार बहुत अच्छा है, इसके सींग बहुत अच्छे, हथियार बहुत अच्छे हैं, अनफॉर्चुनेटली काले है, नहीं भाई वो अभी आया है, इसको अगर आहिस्ता आहिस्ता ना वो भी ऐसी मार्बल हो जाएगा, ओके रमन भाई, उसकी सिंग अगर आप सीधी करके बताएंगे ना, वो साइड से ना आहिस्ता आहिस्ता वाइट हो रही है वो, ठीक है ठीक है, वैसे है क्वाइट वेल मेंटेन, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, बोथ दी गोल्स आर वेरी अजाइल, हमने देख लिया वीडियो में, स्लो मोशन हमने बनाया, बहुत फुर्तीले हैं बकरे जी, दोनों के दोनों, जिस किसी को भी लेना है और यहाँ पर अगर पलाई पर रखना है, उस्मान भाई कुछ रियायत दे दोगे लोगों को पलाई, नहीं भाई, रियायत इनमें एक्चुअली ये कश्मीरी बकरों में थोड़ी ज़्यादा मेहनत रहती है भाई, अच्छा हाँ, क्योंकि इनको बहुत संभालना पड़ता है, ये भाई लोग ने भी देखे भाई इनके बाल वगैरह, इनकी कितनी पलाई ले रहे हो आप, 4,000 रुपये एक बकरे की, इनकी एक बकरे की 4,000 है, ठीक है, तो 4,000 आपको देना पड़ेगा, तो मैंने 10 बोला था, अभी 12 पकड़ो, एक बकरे पे 12,000 ज़्यादा, 25,000 ज़्यादा पड़ेगा दोनों का, तीन महीने का, तीन महीना बाकी है ना, अगर आप इनका वेट गेन भी देखोगे ना, कश्मीरी बकरों की डाइट, इनकी खुराक जो रहती है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, तो अगर आप देखो 4 महीने में ये 30 किलो वेट गेन किया है, और इंशाल्लाह अभी और जो 3 महीने रहेंगे ना, ये बकरा 100 किलो टच करेगा इंशाल्लाह, और वो बकरा भी 90 kg टच होगा, तो वो हिसाब से ना इनका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है फाद भाई, ओके ओके, चलिए एक का वजन करा ले, सो दैट वी नो दैट जो आप 85 बोल रहे हो वो एक्चुअली 85 है ना जी, ठीक है, चलिए चलो